इलेक्शन uh, हो रहे हैं कश्मीर में अभी हुए हैं जी वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है तो so so, really uh... hey, आपके आप सामने एक नए वीडियो के साथ अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को सीधा एक मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के भाग पर पहुंचे तो दोस्तों इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कश्मीर इलेक्शन जो अभी हुए थे आपको पता है लोकल लेवल पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था और जो परफॉर्मेंस थी बीजेपी की और बीजेपी ने स्पेशली कश्मीर में भी कमर कमल खिलाया है काफ़ी सारी न्यूज आपने देखी होगी उसको लेकर पाकिस्तान के कमर चीमा ने डिस्कशन किया है मेजर गौरव आर्य के साथ तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों सेंटर uh, अभी कमजोर है और मोदी साहब कहते हैं कि नहीं भाई अभी उनको अभी हम कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वैसा नहीं हो सकता है, जैसे बाकी जगहों में है जमूलियत वापस आएगी कश्मीर में देखिए मुझे तो लग रहा है जो डिस्ट्रिक्ट uh, काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं दीज आर द ग्रीन शूट्स ऑफ डेमोक्रेसी कश्मीर में आज तक फेक डेमोक्रेसी है जो अब्दुल्ला और मुफ्तीज है ना ये लोग ये तो डकैत हैं बड़े बड़े तो इन्होंने इनकी जब प्रॉपर्टीज की आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जरदारी चोर है और नवाज शरीफ चोर है ना ये सब आप कहते हैं कि चोर है आप कभी इनका भी देख लेना तो आपको मजा आ जाएगा ये कलाकार है इनके लंडन में वही ना जो है ना वो लंडन में इनके न्यूयॉर्क में यहां पे ये वो दुनिया भर के इनके तो ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी क्या है इंडियन डेमोक्रेसी क्या है इट इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी इट्स नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है

अभी जो लोकल इलेक्शन उसमें काफी लोगों ने पार्ट लिया कश्मीर में पहली बार हुआ कि अनजान लोग जिनका नाम ना तो मुफ्ती था ना था ये लोग कहां से आ गए आई थिंक इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सक्सेस लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई इसकी कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई और एनसी और पीडीपी की एक बात बताओ आप चीमा साहब एक मेरी बात समझो ये बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क से बड़ी थोड़ी ना होती है पर एक काम तो मोदी जी ने ठीक करा ये जो डेमोक्रेसी का था ना चस्का ये लोगों को क्योंकि कभी ग्रासरूट डेमोक्रेसी थी नहीं कश्मीर में वो बोलते थे वो तो वो तो वहां के मसीहा बने हुए थे ना खुदा बने हुए थे वो बोलते थे पीडीपी वाला ये बोलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ये बोलेगा वही चीज होगी वो दरबार साहब से एक बार आपने बोल दिया दरबार साहब से जारी हो गया लेकिन अब क्या हुआ है कि नॉर्मल ग्रासरूट डेमोक्रेसी आई है कश्मीर में और फिर मैं कह रहा हूं बहुत टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि things, you know, to to towards, कि, uh, ये हमें, चाहिए, हमें डिस्पेंसेशन चाहिए, और अब नए नए लोग आ रहे हैं गांव से कश्मीर के गांव निकल रहे हैं कि, तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते तुम भी लड़ो ना तुम लड़ो तुम्हें जो तुम्हारे मुद्दे हैं तुम आगे उठाओ और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ चीमा चीमा साहब की चीमा साहब आप ये देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर को अगेन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे कि आप ठीक है कश्मीर में टूरिज्म बहुत गजब की है और ये सब है पर आपको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहिए करीब हंड्रेड बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कश्मीर में पूरे जे के स्टेट में बात कर रहा हूं हम लोग कश्मीर कश्मीर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पूरे तब जाके ये ठीक उठेगा वन हंड्रेड बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ये कैसे आएगी आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है आपको जम्मू को भी तो देनी है जो आपका आपका एरिया है जिसको हम बोलते हैं आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं उधर तो सारे जम्मू साइड वाले तो हैं वो ये मीरपुर जितने भी हैं दे, देर फ्रॉम देर, गोजरी बोलते हैं डोगरी बोलते हैं पहाड़ी बोलते हैं वो तो मेरी तो उनसे बहस हो गई मैंने बोला आप तो डोगरा हो आप आप कौन से कश्मीरी हो आप थोड़ा ना कश्मीरी हो तो दे गॉट ऑफेंडेड कि नहीं आप हम तो बड़े पैशनेट है मैंने बोला मैं भी पैशनेट हूँ जी अमेरिका के बारे में इसका मतलब मैं नहीं कि मैं गोरा हो गया मेरे ब्लॉन्ड हो गए और मैं अमेरिकन हो गया हूँ तो मैं हिंदुस्तानी आप कहीं के लिए भी पैशन दर डोगराज बेसिकली एथनिकली डोगराज वो कुछ नहीं बोलते पहाड़ी बोलते हैं डोगरी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज एक अलग है सो कहने की बात यह है कि ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी है तभी होगी पहले तो जैसे जियाले आपके पीपीपी -पी -पी के जियाले के इस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कश्मीर में बहुत प्रेवलेंट था कि महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया तुम कुर्बान हो जाएंगे और इसने बोल दिया आपको किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है आप पैसे कमाओ घर जाओ बीवी बच्चों का ध्यान रखो माँ बाप की सेवा करो

तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एक चीज़ तो बात क्लियर थी कि वोटिंग के लिए लोग निकले थे दोस्तों आपको बताना है जो मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा का वीडियो है वो खत्म हो चुका है आप अगर चाहे तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो जो वोटिंग के लिए लोग निकले थे डेफिनेटली वो जो महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उमर अब्दुल्ला जो बकवास कर रहे थे उसको तो वो उन्होंने हथौड़ा मारा है जम के कश्मीर में भी लोग बकायदा वोटिंग के लिए निकले और जम्मू में तो एज़ यूजल निकलते ही थे और जम्मू बीजेपी का गढ़ है बहुत पहले से तो जम्मू में तो कोई समस्या थी नहीं केवल कश्मीर जो 200 किलोमीटर की पट्टी है जिसमें कुछ इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि जहां पर जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं तो उन इलाकों में भी वोटिंग के लिए लोग निकले और एक चीज़ अच्छी थी कि बहुत सारे नए लोग नए मतलब यूथ यूथ जम के इसमें इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और निर्दलीय बहुत सारे लोग निकले हैं आपको पता है बीजेपी ने इसी तरह की कुछ सक्सेस हासिल की थी जो सरपंच के इलेक्शन कराए थे जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी साल से नहीं हुए थे आपको पता है ये सब क्यों नहीं हो रहे थे क्योंकि मुफ्त अब्दुल्ला मुफ्ती का जो कब्जा था उसको कुछ ना कुछ करके जो हटाया गया है बीजेपी कुछ ना कुछ धीरे धीरे कर रही है प्रयास कर रही है उसमें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कश्मीर में जो अभी सक्सेसफुल इलेक्शन हुए हालांकि आपको पता है इसमें कई जगह बहुत सारी अटैक्स होने के चांसेस थे और कुछ जगह धमाके भी हुए थे लेकिन आपको पता है बीजेपी की तरफ से बहुत सारे लोग जैसे कि शहनावाज हुसैन आपको पता होगा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बिहार से बिलोंग करते हैं बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के काफ़ी मतलब बड़े बड़े नेताओं में से माने जाते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी बीजेपी के लिए और बीजेपी ने भी बहुत जोर लगाया था इस इलेक्शन में आपको पता है किस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था शहनवाज हुसैन ने और जो इन्हें कई जगह तो बीजेपी को मतलब कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं अगर मान लीजिए सिक्सटी परसेंट वोटिंग हुई है तो उसके फिफ्टी परसेंट वोट मिले हैं बीजेपी को इस तरीके के कुछ जगह जो इन्होंने सीटें जीती हैं वो काफी मतलब दिलचस्प रहा है तो दोस्तों ये कश्मीर में जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपको पता है हर आदमी चाहता है उसके इलाके में डेवलपमेंट हो जो हर चाह लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर लाइट हो सड़क हो साफ़ सफाई हो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो तो शायद लोग अब समझ चुके हैं जो जिस तरीके से अब्दुल्ला और मुफ्ती ने कश्मीर को बनाया था तो आशा करते हैं कश्मीर में ऐसे ही लोग वोट डालने निकलेंगे और ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा छोड़कर पीसफुली बेहतरीन तरीके से लाइफ जिएंगे कश्मीर को भी फायदा होगा भारत को भी फ़ायदा होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म आपसे रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।